और भाई बबलू बढ़िया। दोस्तों बबलू भाई जो है सुबह गन्ने डालकर अपने गोले उठा के ले आए हैं और बहुत ही अच्छा भैंसा इनका चल रहा है ये। नमस्कार दोस्तों, अपनी चाल लिए हैं ये देखें। अंशी और चाचू सब जो है नहा के फिट हैं और बच्चों को जो है यहाँ से तोहफा मिलेगा। जय श्री राम। चलो लगा लो, कोई बात नहीं। और जो है इनके साथ में छुटकू, छुटकू अंशी की साइकिल के छुटकू फ्लैग। ओ बेटे नहीं, जय श्री राम, मेरा भारत महान। चलो अंशी बेटे, एक झंडा इसमें से ना जो श्री राम जी का ध्वज है वो अंशी का को भी दे दियो और कोई लड़ेगा नहीं, आराम से जो है मनाई त्योहार टिंग टोंग। तो दोस्तों अब जो है अपना सुक्का काट लेते हैं, थोड़ी सी धूप आ गई है, फिर दोस्तों गन्ने भी भरने हैं हमें जो है फटाक से। यहाँ पशुओं के लिए सुक्का काटते हैं, गायों के लिए। टिंग टोंग। नमस्कार दोस्तों, करीब रात 12 बजे से ही श्री राम जी के नारे गूंजने शुरू हो गए थे, जो उनकी जय जयकार होनी शुरू हो गई थी, अगले दिन की शुरुआत हो गई थी। और दोस्तों बहुत ही अच्छा जो आज माहौल है हमारे गांव में भी, जितने भी मंदिर हैं सभी पर भंडारे चल रहे हैं, प्रसाद चख रहे हैं सब। तो दोस्तों यहाँ भी बच्चे पूरी तैयारी जो हम मना रहे हैं। गाँव में जिस तरह से किसान भाइयों ने आपस में और सभी ने मिलकर श्री राम जी की जो जय जयकार करी है, उससे दोस्तों एक बहुत ही अलग तरह का माहौल बना है। सभी ज़्यादातर जो हैं अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए हैं, लेकिन सभी ने एक मत से अपने जो है बहुत अच्छी जो है शुरुआत करी है। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मतलब बहुत अच्छा लगा। और इस बात का भी अर्थ दोस्तों समझ में आया कि बहुत लंबे समय से किसान जो हैं आपस में राम राम जी बोलते आए, न गए पापा जी राम राम, मम्मी राम राम, आपस में भी राम राम जी भाई। तो दोस्तों आज जो है पूरी तरह से इस अर्थ का ये पता चलता है कि सभी जो हैं राम जी के ही वंशज हैं, और जो कि पुरानी मान्यता भी रही हैं कि पेड़ कितना भी ऊंचा हो जाए लेकिन जड़ें हमेशा उसकी मजबूती से उसे थम्मे रखती हैं। तो राम राम जी से और जय श्री राम से यही पता लगता है कि हमारी जड़ें कितनी मजबूत हैं। तो आप जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हैं और जितना भी प्रयास अपना अभी तक का रहा है दोस्तों, शांति का ही रहा है कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के मजबूती के साथ में आगे बढ़ते रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें, बस जो है नकारात्मक और नेगेटिव चीज़ों से बचें, जितना भी हो सके सकारात्मक की तरफ ही, पॉजिटिव की तरफ ही बढ़ें, जीवन में सब कुछ ही अच्छा होगा। और दोस्तों गाँव में भी काफ़ी अच्छा माहौल है। अब दोस्तों यहाँ आ गए हैं छत पर और यहाँ देखें सभी जगह गांव में सभी की छतों पर श्री राम मय माहौल, ये देखें बहुत बहुत शानदार। और अभी तो बच्चे जो है लगाने ही लग रहे हैं, श्री राम जी के ध्वज लगा रहे हैं सब जगह। तो दोस्तों चलते हैं नीचे, कर लेते हैं काम। और ये देखे जीने से मुझे लग रहा है हनुमान जी आ रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। और अरे तो बंदर ही भाग गया, जय श्री राम करता हुआ। और दोस्तों नीचे आ गए हैं, यहाँ देखें पापा जी भी सुबह ही नहा लिए थे, तो पापा जी को जैसे हमने स्पर्श करा, पापा जी को टच करा, तो हम भी नहा लिए। ये भी चीज हमें बहुत अच्छी लगी दोस्तों जो है सभी को जो है राम राम जी करते हुए आगे बढ़ते हैं, नमस्ते करते हुए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों अपना जो सुक्का काट लेते हैं, टिंग टोंग। दोस्तों यहाँ से चारा काट के भी काम फाइनल कर दिया है,
क्योंकि दोस्तों यहाँ भी झाड़ू वाड़ू लगा के फिट कर दिया है, बिल्कुल सुक्का लगा दिया है पशुओं का, अलग डलता रहेगा करीब। ये अगर खूब चोखा चोखा भी डाल देंगे ऐसा, तो करीब 2 हफ्तों तक, अब 10 दिनों तक, 10-12 दिनों तक दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। साथ के साथ में चारा भी काट दिया है, और अब जो है बुग्गी छोड़ के एक साइड में कर लेते हैं। बबलू भाई इतना ट्रॉली जोड़ लेंगे, यहाँ से छोड़ दी है, डेग्गा लगा दिया है, तो दोस्तों ट्रैक्टर निकल जाएगा फिर आराम से, क्योंकि उनसे छुटती नहीं है कोई से भी। यहाँ से बाल्टी हटाएंगे, ये पल्ली हटाएंगे सामने से। तो दोस्तों टाइम तो बहुत हो गया है, और घर वाला कोई नीचे आया ही नहीं दोस्तों इस तरफ को। बस बच्चे आए थे एक बार खेलते हुए, किसी ने तत्परता दिखाई नहीं बिल्कुल भी, नहीं तो दोस्तों इस टाइम तक तो हम धूप धूप में ट्रॉली भर के खड़ी कर देते। अब दोस्तों मैं झटपट जो है भाग के एक दो रोटी खा के तुरंत ले कर चलते हैं, कोई आ ही नहीं रहा आज तो। सब जो है जश्न में है, धूप में बैठे हैं सब नहा धो के। दोस्तों यहाँ से इतनी जगह कर दी है खाली, अब दोस्तों यहाँ से ट्रैक्टर थोड़ी देर के लिए स्टार्ट करके छोड़ देंगे, तेल वेल तो इसमें है, फिर दोस्तों निकल चलते हैं फटाफट ट्रॉली जोड़ के, ट्रॉली भरते हैं, क्योंकि दोस्तों टाइम बहुत हो गया है, 3 बजने वाले हैं। टिंग टोंग, मेरा जो मुंह है वो ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों ये ड्रेस ऊपर की अभी तो रहेगी थोड़ी देर, तो दोस्तों यही है, यहाँ भी बिल्कुल शांत वातावरण है, ऊपर भी देखें बिल्कुल सब जो है मुझे लग रहा धूप में आराम कर रहे हैं। तो दोस्तों चले चलते हैं, मुझे लग रहा है किसी को कोई भी मतलब नहीं है, सर मतलब तो हमें ही है। टिंग टोंग। दोस्तों लगभग आधे घंटे में 3:30 बजे के आसपास चाय पी के और पानी अपना गर्म थोड़ा सा गुनगुना पानी लेके, क्योंकि दोस्तों जैसे ट्रॉली भरते हैं एकदम से, घर भी काफ़ी काम किया है, तो दोस्तों एक बार प्यास जरूर लगेगी, क्योंकि सर्दियों की प्यास बहुत ज़बरदस्त रहती है, या तो लगती नहीं, और लगती है तो फिर पीनी। और दोस्तों ठंडा पानी सही नहीं है, तो हल्का गुनगुना करवा लिया इसमें, वैसे गलत है प्लास्टिक की बोतल में गुनगुना करवाना, लेकिन कोई नहीं दोस्तों मजबूरी है। अंशी ने ठेकेदारों की चाय ले ली है, आप भी आ जाओ चाय पी लो, तुरंत के फ़ौरन चलते हैं। दोस्तों अब चल रहे हैं, बबलू भाई हल्की चाय पी रहे हैं, आप भी आ जाए चाय पी लें। अंशी बेटे इसे नीचे मत रखे, वो ठंडा हो जाएगा फर्श पे चाय लग के। पापा जी तो दोस्तों थकान उतार रहे हैं अपनी, पापा जी को जो है राम राम करते हुए नमस्ते करते हुए चलते हैं। पापा जी पापा जो है दोस्तों धूप आ गई थी बड़ी अच्छी, पापा जी आज घूमने भी नहीं गए, पापा जी नमस्ते करते हुए चलते हैं। हाँ भाई लंबा सफर था, 2-3 दिन में थकान उतरेगी, तो दोस्तों पानी ले लिया, जूते पहन लेते हैं फटाफट, और अपने कपड़े भी रखने हैं दोस्तों हमें तो। टिंग टोंग। और दोस्तों बबलू भाई तो अभी मुझे ये कह रहे थे कि बुग्गी छोड़ दो, करो ऐसे करो वैसा करो। दोस्तों मैंने तो यहाँ काम फिट कर रखा, मैं एक बार ट्रैक्टर को स्टार्ट करके छोड़ देता हूँ, क्योंकि दोस्तों इनका एक गड़बड़ है, ये एकदम ही से लेकर चल देते हैं, और ये चीज़ दोस्तों बहुत गलत है, क्योंकि ट्रैक्टर जो है कल पूरे दिन खड़ा रहा, तो इसे जो है एक बार ऊपर ही बैठ के स्टार्ट कर देते हैं, फिर ये थोड़ी देर स्टार्ट है, क्योंकि दोस्तों बबलू भाई जो है और पापा जी भी पहले से मैंने देखा ठंडा हो जाए गर्म एकदम लेके चल देते हैं। देखो कितनी लंबी सेल्फ ली इसने, और दोस्तों आगे की जाली वो आज भी ठीक नहीं हुई, हवा देखो आप कितना झटके मार रहा, इतना ठंडा हो रहा है ट्रैक्टर। अब खुला तो दोस्तों स्टार्ट कर दिया है, और बहुत ही बढ़िया तरह जो है अब ये चाचा भतीजा ट्रॉली जोड़ के लाएंगे। मैं इतने अपने कपड़े उपड़े रखूंगा, आ जाओ बबलू, अभी 1 मिनट बाद लेके चलिए, अभी देख आवाज जब गोल हो जाएगी, और देख कितना हिल रहा। नहीं नहीं आगे कपड़ा लगाने से बेहतर है वो ट्रिक, ऐसा जब फिर मैं बुग्गी हटा दूंगा यहाँ से, आराम से कर लो, फिर बाकी काम आके मम्मी कर लेंगी। अंशी बेटे यो पर्दा ना ऊपर को कर लिए धीरे से हाथ से, ठीक है। चल चाचू को दे दे, चाचू परली तरफ लटका लेगा इसे हाइड्रोलिक पे, चलो जोड़ के लाओ जल्दी, पर मैं भी चलूंगा एक बार, कदी वहां डंगर बंधवाने पड़े, मैं भी चलूं कदी वहां कोई ना हो डंगर बंध रहे हो, आ रहा मैं एक बार गेट लगा दूं, चल चलो
दोस्तों गेट तो लगाने ही लगाने हैं, साथ के साथ ये बुग्गी हटा दूं यहां से, अरे मम्मी जो है ना पीटेंगी। दोस्तों यहां से बुग्गी हटा के वहीं कर दी है स्टैंड पे, और ये दोस्तों कल जाएगी सूखे में मिल मिल के, जो है दोनों गाय का जो भी गोबर और उसके अवशेष हैं वो इसमें जाएगा। कल चलेंगे दोस्तों लेके, थोड़ी हवा भी डलवानी पड़ेगी, इसमें हवा भी कम है। और दोस्तों चलते हैं एक बार घेर में, कभी वहाँ दिक्कत आ रही हो उन्हें जोड़ने जाड़ने में। नजारे नजारे, छोटू तो गांडे तो थोड़ी बचा के लाया, इतने ले गया था भर गए, ठेकेदार भी हदी करे। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ यहाँ पीलिया कैसे रो रही? अच्छा ठीक होगी तो लाल। तो दोस्तों देखें मारिया डांस, रुक जा एक बार बंद कर ले ना, खोल के बांध दूंगा। अच्छा तो कर देना, हटो बचो करवा दी एक दिन। चले चले अब तो शांत हो गया भाई, चले अच्छा आज फिर भाई वहां बढ़िया। अच्छा पहले खेत में साए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा मतलब कर सकता है जो काम की लाया था वो काम को पूरा करेगा, पूरा करेगा मतलब यो है। दोस्तों इसके भैया ना तीन टेस्ट ले लिए, तो आज जो है आज दूसरा टेस्ट था, तीसरा। अच्छा एक और रह रहा दोस्तों, एक और लिया जाएगा अभी जो है, ये तय मानकों पे खरा। बस 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 हमें चलने दे, एक और बच्चा है अभी, रुक जा। अरे मेरी माटो तो रही गई छोटी, माटो को खोल लेंगे अभी। ओहो रेस वाले जुत्ते भी हैं, कूदना पड़ता। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं भाई सुनो, जोटा भगाने के लिए यही बात होनी चाहिए कि मालिक भी दौड़ना आना चाहिए, पता नहीं कहाँ कितना भागना पड़ जा। हाँ, वो जो सारी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अरे मेरी माटो बागली 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 बागली। आहा बहुत समझदार बच्ची, चलो भाई चलो चलो चलो। दोस्तों इन्हें देखो कैसा कूद रहे छोटे बच्चे, पिलिया भी कूद रही, ऊंचा बची है वो ट्रैक्टर में टक्कर मार रही, डर नहीं रही। ओहो आज आज वो अलग कैसे छोड़ दी। अच्छा चलो जी बिल्कुल बिल्कुल, नहीं भैया ऐसे डंगर का आराम है, मोटरसाइकिल का काम पूरा बजाओ गए हो। हाँ अच्छा डंडी फटक की जरूरत नहीं पड़ी बिल्कुल भी। हाँ हाँ चलो तो तुम एक काम करो, इसका वो तीसरा राउंड और लो, वो जो अपने हिसाब से लेना था मैं वो कैसे कैसे लोगे, और उसके बाद बनाते हैं वीडियो, ठीक है जी भैया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी भैया जी राम राम जी, बुलावे फटाफट भर के हम भी। दोस्तों आ बैठा हूँ मैं, चल रहे हैं फटाफट खेतों में। फोका चल रहा है जाड़े में, देव चौकड़ी। दोस्तों ये सुपर है कि पूरब की तरफ से हवा चल रही है, हवा तो खैर ठंडी है लेकिन फिर भी पूरब की हवा इतनी चोट नहीं मारती, पूरब की हवा में थोड़ी गर्मी रहती है। भैया भैया राम राम। और दोस्तों पूरब की तरफ से हवा है, थोड़ी गर्म हवा होती है ये, हल्की सी और हल्की हल्की जो है धूप भी है, तो इतने ठंड का प्रकोप बढ़ेगा, इतने हम जो है भर के अलग हो जाएंगे। ओहो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, भैया ने तो मजे ही कर रखा, मोटरसाइकिल से ही सारा काम कर रहा। और दोस्तों ये देखें आगे से छोटा महिंद्रा धूम मचाते हुए, बाय वाह हुक्का भी गैल की गैल चल रहा है, बहुत धूल ठाक गया है तो धरती पर लग सी गए। और दोस्तों धीरे धीरे कलावनी के सामने चक में, ओहो आगे से तो भैया डंडर आ रहा है, तो जो कहता ना ब्रेक तकड़े ना मारे तो पीछे से आ भिड़ दे, आगे कर ले फिर बैक कर दिए। हा 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 कर दे भैया, आ जाओ कुलदीप भाई का ट्रैक्टर आ रहा है दोस्तों,
डेली जो है दो ट्रॉली मिल में जाती है फिटिंग। ये देखें तो दोस्तों बड़े किसानों के बड़े ठाट है। हाँ ये तो यहाँ हाँ और बस 15-20 मिनट का समय, ये एक यहाँ चोटी सी ना इस पर जब पानी आ जाता है तो तब जो है काम हो जाता है। चल रहा है इस तरफ भी पानी, पानी तो आना जरूरी भैया, पाले ना फूंक दिया गोला सारा। चलो आधे घंटे और चल जान दो, थोड़ा सा रह गया इधर। अरे भैया इन्हें भी दे दो कोर, फिर इन्हें कैसे ठंड लगेगी, इन्हें तो फिर पता ही नहीं चलने का, क्योंकि ऐसा कुछ दाना पत्ती में रुक रहा ना तो वो और जमिया होगा। दे दो इसे भी भैया पानी। और दोस्तों आगे देखे अंकित भाई का जो स्वराज है, जुताई चल रही है, इसमें जो है पीलर की जुताई देखकर ऐसा लग रहा है जैसे डेमो चल रहा है, और टीलर भी इंग्लिश है, एंटी टीलर लाया गया है ढूंढ के। दोस्तों भान इतना हो गया है लड़के चल नहीं पा रहे हैं इसमें। तो नील मैंने तो बहुत यहाँ खाद करा, टेरिटोरियल मार्क्स करे हैं। आराम से भैया, आराम से आराम से। बस चल 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 चलो को और बाबा बंद कर दे, बंद कर दे। ए आ जाओ सारे चाय ले लो, बाबा राम राम। आ जाओ आ जाओ, डीजे ने का खड़ू उतार रखी।